चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो मोदी जी आज मतलब अरबों और खरबों के जहाज में घूम रहे, ये सब कांग्रेस की देन है। उसने मेहनत की, मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए, मतलब कहीं अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी का कार्यकाल इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर मतलब धरना तिरानवे दिन कैसे चल गया? लेकिन मेरा ये मानना जी, मेरा अपना ओपिनियन है, इकरा हसन गठबंधन से लड़ेगी और संभल होगा जी सिंह वाला, नलके वाला, तो जीतेगी। ठीक, कुछ नहीं, इस तरह के वादे तो बहुत कर चुकी गवर्नमेंट, अधिकतर 95% लोगों से इस तरह के वादे हो गए, लेकिन किसानों से भी बहुत वादे किए, लेकिन कुछ नहीं है, सब फेल जी। मैं बीजेपी से ही काम करता हूँ, बीजेपी का ही काम करूँ जी। कारण एक है कि जो बीजेपी जो है सरकार जो है किसानों का पैसा जो है टाइम पे दिला दे और टाइम पे काम कर देती तो देखिए ये परिवर्तन का जो नाम ले रहे ना, ये परिवर्तन नहीं होता। सीसीए में आपका स्वागत है। अभी लोकसभा 2024 का माहौल धीरे धीरे पूरे देश में ही और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गर्मा रहा है। हम फिलहाल पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर है, शामली ज़िले में। ये बनत कस्बा यहाँ पड़ता है, वहाँ पर शामली ज़िले के बनत कस्बा में आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ कैराना लोकसभा के सांसद भाजपा से प्रदीप चौधरी हैं। और इस बार क्या मामला, क्या चीज़ें पलटेंगी, क्या कुछ नए उम्मीदवार जिनके नाम अक्सर लिए जा रहे हैं यहाँ पर, जो गठबंधन से खड़े हो सकती हैं, क्या माहौल इस बार पलटेगा, क्या लोगों का कहना है इस बार 2024 के चुनाव के बारे में, आइए बात करते हैं यहाँ लोगों से। यहाँ चाय की टपरी में कुछ लोग बैठे हैं। राम राम ताऊ, बात करेंगे ज़रा जी। नाम अपना? साजिद चौधरी। हाँ जी, साजिद चौधरी। साजिद जी कहाँ से हैं? बनत से ही हैं जी। बनत से। बनत से हैं, ठीक है। तो मैं, हम लोग यहाँ, ज़रा बताइए 2024 का लोकसभा का चुनाव का माहौल तो अब धीरे धीरे गर्मा रहा है। फिलहाल यहाँ पर तो प्रदीप चौधरी जी जो सांसद हैं लोकसभा के भाजपा से, क्या आपको लग रहा है या फिर से आएंगे इस बार या कुछ बदलाव आएगा? सांसद जी को तो देखा ही नहीं, यहाँ जानते ही नहीं लोग बाग, हमारा कोई एमपी है यहाँ। अच्छा, 5 सालों में देखे नहीं कभी भी? और तो फिर इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किसको इस बार मतलब आप सोच रहे हैं वोट करने के लिए? यहाँ तो शायद गठबंधन से अगर इकरा हसन को टिकट होता है तो वही फॉर्म में है। अपने दर्शकों को बता दूं, इकरा हसन यहाँ के पूर्व सांसद मुनव्वर हसन साहब, जिनका अब इंतकाल हो चुका है, और उनकी फिर बाद में उनकी पत्नी तबस्सुम हसन जी, दोनों यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इकरा हसन उनकी बेटी हैं और काफ़ी चर्चा यहाँ पर इकरा हसन की बार बार जनता से भी आपको सुनने को मिलेगी। क्यों आपको इकरा हसन लग रहा है जीत सकती है? क्यों नहीं जीत सकती? नहीं, मैं, मेरा वोट यहाँ नहीं है तो आपको ही बताना होगा क्यों जीत सकती है, क्यों नहीं जीत। जितने कैंडिडेट खड़े हैं, जितने हम सुन रहे नाम, उन सब में सबसे अच्छे कैंडिडेट है, खानदानी है, राजनीतिक है और वे जुड़े हुए हैं जनता से। भाजपा का पिछले 5 सालों से, अब तो लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं मोदी सरकार के, भाजपा सरकार के बड़े बड़े वायदे करके आए थे, आपके हिसाब से कैसा इनका कार्यकाल, इनका कैसा कार्यकाल रहा है 10 साल, इनका काम कैसा रहा? इनका एक काम तो सक्सेस रहा, बहुत बढ़िया रहा, कि हिंदू मुस्लिम पहले आपस में ऐसे थे, उन्हें पता ही नहीं था कौन हिंदू कौन मुस्लिम, लेकिन इन्होंने इतने बढ़िया इन्हें डिवाइड करे कि यो काम तो इनका टॉप रहा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, मेरे बचपन का एक बहुत अच्छा दोस्त था साजिद, और इस तरह की बातें होती रहती हैं। देखो एक बात बताऊं, आज हमारा घर भरा हुआ है हर चीज से और रात में उसमें डांका पड़ जा, सब लुट जा, उसी पोजिशन पर उस घर को आने में मुद्दत लग जाएगी हमें मेहनत करते करते। तो आज़ादी के बाद में जब देश हमारा आज़ाद होया तो अंग्रेज सब ले गए थे लूट, उसे इस लेवल तक पहुँचाने के लिए जब मोदी जी आज मतलब अरबों और खरबों के जहाज में घूम रहे, ये सब कांग्रेस की देन है। उसने मेहनत की, उसी की मेहनत के नतीजे सड़कें, स्कूल, आर्मी और आपके क्या नाम फैक्ट्री, ये सब उसके बनाई हुई है। आपका नाम साहब? प्रशांत राणा। प्रशांत जी कहाँ से? आप बनत से? बनत से ही हुई है। प्रशांत जी आप बताइए, नौजवान हैं, क्या करते हैं आप? मैं अभी तो खेती कर रहा हूँ जी। खेती कर रहे हैं,
कैसा रहा है? आप किसान हैं, नौजवान किसान हैं, 10 सालों का काम इस सरकार का, प्रशांत जी कैसा रहा है किसानों के लिए और नौजवानों के लिए? बाकी अपने जिले को देखो तो जी, यहाँ तो केवल बदले की राजनीति की इन्होंने, यहाँ से मतलब बीजेपी का कोई विधायक नहीं जीत पाया। अभी आपको नॉलेज में होगा, लगभग 93 दिन के आसपास चला जी करने का धरना, ये जो शामली जिले में 93 दिन का अभी चला है। मैं जरा जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूँ, शामली जिले में इतिहास रहा है यहाँ पर बहुत बड़े गन्ना किसानों का आंदोलन का, और अभी 93 दिन का जो गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा था मिलों से किसानों का, 93 दिन का एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी किसानों का चला, अभी उठे हैं। क्यों उठे हैं उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बट खैर बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था जहां पर उन्होंने तिल के मिल के दरवाज़ों तक पर ताले लगा दिए थे। जी प्रशांत जी, आप बताइए। मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए, मतलब कहीं अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी का कार्यकाल इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर मतलब धरना 93 दिन कैसे चल गया? यहाँ पर तो कोई बुराई होगी ना वर्तमान सरकार में, केवल बदले की राजनीति की जा रही। लखनऊ तक सूचित करे तो बता दें कि अजीत सिंह से और राकेश टिकैत से ले लो गन्ने के पैसे। तो प्रशांत जी, आपका कहना है कि यहाँ किसानों से बदला लिया जा रहा है क्योंकि भाजपा को वोट नहीं दिया, तो क्या किसान भी इस बार 24 में बदला लेंगे फिर? वो डेफिनेटली लेंगे जी। चलिए आप ये बताइए, लेकिन किसको वोट देने की आप सोच रहे हैं? देखो जी, सामने आता है जो भी, खैर कोई हमारे बीच से होगा उसे चूज करेंगे। हमारे बीच से का क्या मतलब है? क्योंकि मतलब जो भी नजदीक से होगा कोई। क्योंकि प्रशांत जी, आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं हमारे बीच में से, मैं क्यों आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपका इशारा इस तरफ ये था कि जो मौजूदा सांसद हैं वो दरअसल इस ज़िले के हैं नहीं? वो तो मुझे तो नाम भी नहीं पता था, आपने नाम लिया, मैं तो नाम तब पता लगा मुझे सांसद का। तो मतलब आप कह रहे हैं प्रदीप जी से आप बिल्कुल खुश नहीं कर रहा? सच में मुझे सांसद का नाम आपसे पता लगा। अच्छा, चलिए मुझे खुशी है कि मैंने कुछ यहाँ पर ज्ञान लिया और कुछ दे भी दिया। हाँ जी बताइए। शामली मिल, शुगर मिल एशिया का नंबर 1 मिल था, और आधा सत्र पूरा हो चुका गन्ने का, ये मिल नहीं चला। अंधी है सरकार, उसे देख नहीं रहा, गेहूं का एक दाना नहीं बुया जा। इस मिल के किसानों को गेहूं का एक दाना नहीं बुया जाने का। सही बात। दिसंबर चल गया जी और मिल अभी तक नहीं चली। तो ये राजनीति जो भी है इनका, एक किसान शोषण नहीं है किसानों का? बिल्कुल नहीं, किसानों को अपना भुगतान नहीं मिल रहा है, तो एक कसम से बिल्कुल शोषण है। को भी छोटो मिल समय से चलनी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी डीएम की, सीएम की है। सही बात। या किसी और की है। प्रशांत जी, आप मुझे बताइए, आप नौजवान भी हैं, मोदी जी ने वायदा किया था कि भाई हर साल कम से कम 2 करोड़ रोजगार पैदा किया जाएगा, आपको क्या लग रहा है? सीएमआई की रिपोर्ट जो भारत के रोजगार पर है, मैं उस पर अभी नहीं बोलूंगा, आप बताइए आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या रोज़गार दरअसल नौजवानों के लिए बढ़ा है या घटा है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ये तो खैर मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा, मेरे से ज़्यादा आंकड़े आपने लगा रखे हैं। आंकड़े मुझे पता है, लेकिन आप महसूस क्या कर रहे हैं? महसूस बिल्कुल जीरो है जी, कहीं कुछ नहीं बढ़ा, नहीं बन रहा है रोज़गार। नमस्कार जी। नमस्कार। आप सभासद जी हैं यहाँ से? साहब आपका नाम? नदीम मेम्बर है जी मेरा नाम सर। नदीम जी, आप यहाँ सभासद हैं, यहाँ के एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभासद होने के नाते आपको क्या लगता है कि यहाँ विकास कार्यों में क्या आपको राज्य सरकार से, क्योंकि भाजपा की यहाँ पर राज्य सरकार भी है, हमेशा ये लोग डबल इंजन कहते थे कि ऊपर केंद्र की सरकार होगी, यहाँ पर राज्य की सरकार होगी, और निकाय चुनाव में जिसमें आप जीते हैं उसमें तो बोल दिया कि ट्रिपल इंजन हो जाएगी अगर यहाँ भी हम जीत गए, तो क्या आपको लगता है कि इस डबल इंजन सरकार से आप लोग को विकास के कार्यों में कोई फ़ायदा हो रहा है? देखो सर, इस सरकार में काम तो सड़क के अलावा तो कोई काम हुआ नहीं, वो काम गडकरी का है ना कि प्रधानमंत्री का, इसमें तो कोई शक नहीं है, जाड़ा भी बन जाएगा। वो भी इसी सरकार के ही तो हैं गडकरी है तो, लेकिन फर्क है जी, जिन्होंने काम किया उनसे पीछे धकेल दिया गया। रे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जी, इसमें कानून के हम अच्छा कह सकें जी, बाकी महंगाई सर आसमान छू रही, महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई की दिक्कत जो है बहुत लोग उसके बारे में बात करें। मेंबर जी, ये बताइए फिर इस बार 2024 के चुनाव में आप क्या होते हुए देख रहे हैं? मैं तो इंडिया गठबंधन देख रहा जी। आप इंडिया गठबंधन यहाँ से देख रहे हैं, और कौन यहाँ से पता नहीं, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि प्रदीप जी को फिर से भाजपा से ही टिकट मिलेगा, गठबंधन से आप किसको देख रहे हैं? सर मैं बताऊँ, आज तक प्रदीप जी को हम आज तक देखा नहीं, ये तो सभी शिकायत कर रहे हैं कि 5 सालों में प्रदीप जी दिखे नहीं है। इस बारे में कसम खा सकते हैं, देखा नहीं, अगर कोई किसी ने देखा हो तो बता दो एक आदमी। अच्छा जी, घमंडी है आप कह रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे गठबंधन का होगा ए टू जेड किसी को दे दो,
टिकट किसी को दे दो गठबंधन जीतेगा यार। नहीं लेकिन कोई आपके भी तो भैया लोग हैं कई सारे जो कहते हैं कि भाई हम बीजेपी ठीक है लेकिन हम प्रदीप को वोट नहीं देंगे, तो गठबंधन में आप कह रहे हैं आप गठबंधन को ही वोट देंगे, लेकिन कोई एक उम्मीदवार तो होगा जिसकी आप चाह रखते हैं कि यही खड़े? कोई उम्मीदवार चाहे परसेंट चौधरी को दे लो, इकरा हसन को दे लो, लेकिन मेरा ये मानना जी, मेरा अपना ओपिनियन है, इकरा हसन गठबंधन से लड़ेगी और संभल होगा जी सिंह वाला नलके वाला तो जीतेगी। ठीक जी विक्रांत जी, क्या लग रहा है इस बार 24 के चुनाव में? आप तो बसपा से हैं लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेगी या अलग लड़ेगी, क्या लग रहा है? अभी तो देखो जो बहन जी का निर्णय है वो सर्वमान्य होगा, जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा क्या पता गठबंधन के साथ रहे। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? या तो हम सोच रहे हैं कि भाई अगर हो जाए तो ज़्यादा अलायंस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ अच्छा। ठीक है, बसपा के बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं और ये चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ इनकी पार्टी जुड़े। नमस्कार, आपका नाम सब? आपकी दुकान में सबसे बात कर रहे हैं, आपसे तो बात करना ही भूल। शरण है जी, बात जी देवी शरण है नाम। देवी शरण जी, आप यहाँ बनत से ही हैं, दुकान चलाते हैं? देवी शरण जी बताइए, 24 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? बस इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो बड़े बड़े बैठे हैं यही कर लेंगे बात, बस हमें तो दुकानदारी करनी है अपनी। नहीं तो बिल्कुल अच्छा, चलिए ये बताइए कि 10 सालों में दुकानदारी करने में आपको आसानी रही है पहले के मुकाबले? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई परेशानी नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा, जैसे बीच में GST या उससे पहले नोटबंदी लगी या ये सारी चीजें हुई ना जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस सरकार से खुश लग रहे हैं? हाँ, खुश है। और जो महंगाई लोग कह रहे हैं बढ़ रही है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं? बजट जैसा आ रहा है जा रहा। चलिए, आप चाय बना रहे हैं, उन्होंने भी कहा था जब प्रधानमंत्री बने थे हम एक चाय वाले हैं, कितना फायदा रहा है चाय वालों का? अपना रोटी खा रहे जी, अपना फायदा नुकसान तो कुछ नहीं जी, अपना मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना रोटी खा रहे हैं जी। तो पहले से कुछ बदलाव हुआ है? ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बताइए ना क्या बदलाव आया है? भाई इतना जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। एक तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा जी, बताए साहब। उन्होंने कहा था अभी ये देवी सिंह चाय वाले हैं, देवी सिंह चाय वाले हैं, ये 10 रुपए की चाय दे रहे थे जी, इन्होंने सीधी एकदम 15 की कर दी, 50% बढ़ा दिया। हमने पूछा भाई कौन से पार्लियामेंट में तो पास कर, भाई कौन से सदन में तो करा, इसकी चाय अपनी है ना, इनने 10 से 15 कर दी, 50% बढ़ा दिया, 1 रुपया हमारा नहीं बढ़ता किसी भी फसल का। क्या करते हैं आप साजिद सर? किसान है, किसान है। हाँ जी, दूध बेच रहे जी, दूध भी वही बाजार है इनका जो है, ये बढ़ा सके दुकानदार, इन्हें कहीं तक परमिशन नहीं लेनी, इनके अपना काम है, इन्होंने तो दम दे बढ़ा दिए, मारा नहीं बढ़ती है ठंडी, तो देवी जी के तो मजे आ रहे। तो देवी जी के भी तो दूध और बाकी चीजें महंगी पड़ रही होंगी ना, अब तो वो गैस भी महंगी हो गई है। मंदी पड़ रही, मोदी जी ने मंदी कर दी, फ्री सिलेंडर दिए ना तो अच्छा, ये तो फ्री वाले, लेकिन अब तो अच्छा फ्री मिले हैं, लेकिन अब तो कईयों की सब्सिडी नहीं आ रही है ना फ्री की, जो जेब जो बैंक में आनी थी। क्या देवी जी आ रहे हैं आपके? 50% बढ़ा दिए चाय के रेट, ये तो नाराज हो गए हैं? अजी नहीं, नाराज कोई नहीं है, तो हमारे अपने घर के हैं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कितना क्यों बढ़ाने की महसूस हुई आपको चाय का दाम? ये सारी चीजें तेज, चीनी तेज, पत्ती तेज, दूध भी तेज, कोला भी तेज, हर चीज तेज ही तेज है। तो मतलब महंगाई बढ़ी है, वही मैं आपसे पूछ रहा था, महंगाई बढ़ रही है तो क्या आमदनी भी उस हिसाब से बढ़ रही है? आमदनी तो इतनी नहीं बढ़ रही, इतनी नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है देवी जी, लेकिन वोट किसको देने की सोचे ये नहीं बता रहे आप? नहीं जी, वोट का तो सबको पता, हमें तो सारी दुनिया जाना है, हमें तो किसे देनी है हमें भी बता दीजिए। नहीं जी, मैं नहीं बता सकता। अच्छा चलिए, देवी जी कह रहे महंगाई बढ़ी है लेकिन वोट किसको देंगे ये नहीं बताने वाले। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम साहब? इसरार। इसरार साहब बताइए, आपको क्यों पसंद है इतनी योगी सरकार? हर चीज मिल रही। क्या क्या मिल रहा? हर चीज, नाज भी मिल रहा, सिलेंडर भी मिल रहे, और क्या चाह सिलेंडर का तो, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि सब्सिडी मिलनी बंद हो गई और महंगा भी बहुत। अभी मिले जी कल ही, दो सिलेंडर मिले, दो सिलेंडर का पैसा भी आया खाते में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं योगी सरकार खुश है? खुश है। तो 24 में आप किसको वोट करने की सोच? हम तो भाजपा के जी। आप भाजपा के हैं पक्के? जरा बताइए, ये 5 साल 10 साल बल्कि अब भाजपा सरकार मोदी सरकार खत्म होने को आई है, दुकान चलाते हैं, आपके लिए कितना सुविधाएं बढ़ी हैं, घटी हैं, मुश्किलें बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, क्या रह रहा है? भाई जी हम तो परेशानी में हैं जब से भाजपा सरकार आई,
और कारोबार की तरफ से बिल्कुल ठप है जी, कारोबार डैमेज हो चुके हैं बिल्कुल। और अब ये बाईपास निकल गया यहाँ से, ये भी इसी भाजपा की देन है। हालांकि बाईपास से कोई हमें प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि हमारा कारोबार ठप हो चुका। कारोबार ठप होने के पीछे आप क्या कारण सोच रहे हैं, मतलब क्या आपको लगता है कि ये जो GST लगी है या जो नोटबंदी हुई थी? सबसे पहले नोटबंदी का कारण बना, और उसके बाद फिर GST लागू हो गया, और उसके बाद फिर ये समझ लो कि आप एक और प्रॉब्लम आई सामने अभी लॉकडाउन की बात कर, लॉकडाउन में ज़्यादा परेशानी बन गई। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि हम पैकेज देंगे दुकानदारों को भी, रेडी पटरी वालों को भी, तो पैकेज देंगे कि वो अपना धंधे फिर से शुरू कर देंगे। कुछ नहीं, इस तरह के वादे तो बहुत कर चुकी गवर्नमेंट, अधिकतर 95% लोगों से इस तरह के वादे हो गए, लेकिन किसानों से भी बहुत वादे किए, लेकिन कुछ नहीं है, सब फेल। लेकिन ये बताइए फिर कि आप अगर कहेंगे कि धंधा कितना प्रतिशत आपका कम हो चुका है पिछले 5-10 सालों में? 90%। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो दुकान अभी चलाते रहेंगे, कुछ और सोच रहे हैं? अब तो कुछ और सोच रहे जी, परिवर्तन करने की सोच रहे हैं कुछ और, सरकार तो ध्यान नहीं दे रही इन चीज़ों पे। चलिए, आप नौकरी के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बार लोकसभा में परिवर्तन आएगा? जी, यहाँ प्रदीप चौधरी जी आपके जो सांसद हैं, उनका कैसा काम रहा है? व्यवहारिक इंसान है, अच्छे हैं, लेकिन विकास कार्य में तो कोई खास तब्दीली नहीं दिखाई दे रही। आपका नाम साहब? मेरा नाम नंद किशोर है जी। मैं बीजेपी से ही काम करता हूँ, बीजेपी का ही काम करूँ जी। कारण एक है कि जो बीजेपी जो है सरकार जो है किसानों का पैसा जो है टाइम पे दिला दे और टाइम पे काम कर देती तो देखिए ये परिवर्तन का जो नाम ले रहे ना, ये परिवर्तन नहीं होता। नहीं तो आप बीजेपी से हैं और आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन, मतलब यहाँ गन्ने का भुगतान नहीं मिला? नहीं मिला, मैं भी किसान हूँ, मेरा भी पैसा नहीं मिला, मैं छोटा सा किसान हूँ। अच्छा जी, मगर यह है कि किसानों को जो पैसा मिलता तो किसान इनकी तरफ को होते भरपाई होती बीजेपी की, आपके बीजेपी में जो है ना बहुत कम भरपाई होगी। तो आप ये बताइए, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता हूँ। और भाजपा ने वायदा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो 14 दिनों में गन्ने की पेमेंट हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल नहीं दिया जी, यही तो, इसीलिए तो किसान रो रहा है, इसीलिए किसान जो है नीचे धरती पर आ रहा है, जाके देख लो किसान की फसल कैसे खड़ी है। अच्छा जी, इतना इतना पैसा मोटा लगा रखा है मगर यह है कि पैसा नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। किसान इस टाइम जो है बिल्कुल कारागार पे है, मरने के कागार पे है, मगर ये बताओ कि क्या करे किसान, किसान को कोई पैसा नहीं मिल रहा जी। आपका नाम साहब? श्रवण कुमार। श्रवण जी, कहाँ से हैं आप? मैं गांव तलवा माजरा से। तलवा माजरा से, तो ये तो कैराना भी सीट में ही पड़ता है? श्यामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इससे थोड़ा 4 किलोमीटर कैराना लोकसभा में पड़ता है जी। जी हाँ, तो श्रवण जी क्या करते हैं आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ। कहाँ पर? मैं बाहर फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी कर रहे हैं जी। मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं पिछले 5 साल? बहुत बुरे गुजरे हैं सर, ना लोगों की तनख्वाह बढ़ सकी, ना मजदूरी बढ़ी है, ना कुछ भी। कुछ लोगों के तो बुजुर्ग जो आदमी है उनकी पेंशन तक रुक गई है बहुत। मैं कभी बाई चांस विकास भवन गया घूमने तो वहाँ पर भी देखा कि बहुत लाइन लगी रहती है जी। हमारी पेंशन नहीं, हमारा ये नहीं हो रहा, काफ़ी महीनों से चक्कर काट रहे लोग बाग, इधर वृद्धा पेंशन में भी सब रुकी हुई है। कुछ लोगों के मकान भी देखे इस बार बरसात में, बहुत मकान गिर चुके हैं, किसी को कुछ नहीं मिला है। आवास योजना से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। मोदी जी तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से मैंने कितने घर बनवा दिए, नहीं मिला। मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ चल के अपने पूरे गाँव में, और पास का जो गाँव है उसमें प्रूफ दिखा सकता हूँ किसका एक भी मकान बना हो। श्रवण जी जो बता रहे हैं, मैं एक सेकंड, जो मैं गांव की जो स्थिति बता रहा हूँ, मैं शहरी योजना नहीं बता रहा हूँ, मैं ग्रामीण योजना बता रहा हूँ। ग्रामीण के अंदर बता दो किसका मकान बना है। इस बार क्या आप गठबंधन सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इस बार तो जो भी होगा गठबंधन से ही होगा। अच्छा, हाँ जी। क्या उम्मीद कर रहे, कौन आपके उम्मीदवार होंगे गठबंधन से? ये नहीं कह सकते कौन होगा, कोई भी समय बताएगा जी। आप बताइए साहब, आपका नाम? आपको, मेरा नाम संदीप खुराना है। संदीप जी, क्या करते हैं आप? तो मजदूरी कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं। ड्राइवरी करते हैं, अपनी गाड़ी है दूसरी? हमें गाड़ी दे, कमी ने बतावे हमें, जो कहते हम तो भी खड़े मोदी के। आज लोग कैसा प्रधानमंत्री मिला नहीं और ना मिलने का, सुनो बोलिए, प्रधानमंत्री ऐसा धरती माता को ना मिले ना मिलने का कभी भी,
हम तो मोदी को देंगे वोट चाहे मर जावे। ठीक है, तो आपने नाम क्या बताया? संदीप खुराना नाम है। ठीक है संदीप जी, आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी करके मोदी जी के साथ हैं, क्या है? अच्छी बात है, आप लोकतंत्र में सब अपना मत रखते हैं, आप उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ रहिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन 5 सालों में आप ड्राइवरी करते, खुद की गाड़ी है दूसरी की गाड़ी है? हम तो दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, मारा तो रिक्शा भी नहीं है, साइकिल भी नहीं मारा। तो अब आप कह रहे हैं कि 10 सालों में उनकी सरकार रही है और 10 सालों में आप बतावे आके जाट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपके हम तो बिखरे, जातिवाद आप कह रहे हैं आपके? हाँ। तो क्या भाजपा का रवैया लेकिन दलितों के प्रति क्या रहा है? भाजपा का उच्च रहा, गरीबों को लैट्रिन बाथरूम मकान सब कुछ, राशन कार्ड दवाई सब कुछ दिया। आप लोगों ने देखा इस बार बनत में, हम यहाँ कैराना लोकसभा में यहाँ पर हैं, बनत कस्बे में अलग अलग समाज के लोगों से बात हुई, छोटे व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, अलग अलग राय है लोगों की। लेक लोन तंत्र में अलग अलग राय होनी भी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पुरजोर तरीके से 2019 में जो इस सरकार का समर्थन दिख रहा था, उसमें कुछ गिरावट ज़रूर नज़र आ रही है। भाजपा के एक कार्यकर्ता अपनी बहुत नाराजगी व्यक्त करके गए हैं अपनी सरकार से। जुड़े रहे CCA के साथ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खबरें आप तक आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बंद कर दो।